हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे साजिशों के दौर में। देखिए, थोड़ा सा तबीयत भी मेरा ख़राब चल रहा है, तो आज इसी चीज़ को दिखाएंगे। मुझे सूखी खांसी हो गई है और कफ नहीं आ रहा, तो आज हम दिखाएंगे कि कैसे इस चीज़ को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। और आप आवाज़ से पहचान रहे होंगे कि आवाज़ में भारीपन है मेरे, क्योंकि खांसी की वजह से पूरा गला वाला दर्द कर रहा है मेरा पूरा। तो आज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन करेंगे और उसके साथ एक नई चीज़ करेंगे, क्योंकि अभी मैं नींबू पानी पी रहा हूँ ना, गर्म नींबू पानी पी रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा और भी गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सिट्रस जूस वाला जो चीज़ है, ये गले में हर किसी को फ़ायदा नहीं आ रहा है, तो मेरे को नहीं फ़ायदा कर रहा, तो मैं क्या करूँगा कि काली मिर्च गले के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, तो उसका काढ़ा बनाऊँगा, अभी सब दिखाऊँगा। और उस काढ़े को हॉट वाटर इमर्सन में बैठते समय पीऊँगा और फिर देखते हैं कि कितना जल्दी कितने समय में ठीक होता है, फिर आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए दोस्तों, 10-15 काली मिर्च हमने लिया है और इसी का काढ़ा बनाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, काली मिर्च ही है और कुछ नहीं है। तो इसका काढ़ा बनाएंगे कैसे, कि इसको पहले थोड़ा सा खलर में डालकर इस तरह से कूट लेंगे, पीस लेंगे, कम से कम आधा चम्मच होना चाहिए। और काली मिर्च गले के लिए बहुत अच्छा होता है, तो देखिए मैंने कूट लिया है इसको और कूट कर पानी में डाल दिया, वही 500 ml पानी में, आधा चम्मच बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा तो तीता भी लगेगा ना, तो तीता लगेगा तो पीने में भी दिक्कत आएगी, तो उतना ही लें कि स्वाद भी ना बिगड़े और आप पी भी लें, कर ले आराम से, समझे? तो ये देखिए, ये उबलेगा जब तक, तो थोड़ा सा देखते हैं, उबल जाता है तो फिर बताते हैं। तो ये अब देखिए उबाल आ गया अच्छे से, कलर छोड़ दिया है काली मिर्च, पानी का रंग बता रहा है। तो अभी ये काली मिर्च क्या कि गले के लिए बहुत बेहतरीन दवा है, समझे? तो इसलिए वैसे तो नींबू पानी पीने के लिए रिकमेंड किया जाता है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन में, लेकिन नींबू अभी पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गले में और भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए काली मिर्च का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए, ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन चालू है मेरा, तो अभी देखिए यही काढ़ा पीऊँगा, ये देख रहे हैं आप काली मिर्च का जो अभी बनाया था, और इसको पीऊँगा थोड़ा थोड़ा, और लोअर लेग हॉट वाटर इमर्सन में बैठा रहूँगा। और पानी का इसमें टेम्परेचर उतना ही 42 डिग्री सेल्सियस तक, या इससे ज़्यादा भी आप जितना सह सकते हैं उतना कर सकते हैं। तभी देखिए 43 है मेरा, तो जितना आप सह सकते हैं उतना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आप बैठेंगे ना तो पूरा बॉडी हीट होता है, आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है, तो जब शरीर हीट होगा तो गले में जो भी वायरस होंगे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, वो सब ठीक हो जाएंगे, मर जाएंगे बल्कि। और दुनिया में कोई दवा नहीं है जो किसी वायरस को मार सके, तो आप नेचुरली उन सब को ठीक कर सकते हैं और उन वायरसों को डेड कर सकते हैं। देखिए, मेरे घर में कभी भी परेशानी होती है तो मैं यही करता हूँ, किसी के साथ भी होती है। अब देखिए, पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक मग पानी मैं निकाल रहा हूँ और फिर एक मग पानी उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि आपका हीट शरीर में प्रॉपर बनी रहे, और बहुत इजीली आप लोग को समझा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप जी इतने अच्छे और सरल तरीके से बताए हैं कि कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, घुटने तक का पानी में पैर में डला हुआ है और वो काली मिर्च वाला पानी पी रहा हूँ, ये बहुत कड़वा भी लग रहा है मेरे को, लेकिन क्या करूँ, पीना पड़ेगा ना, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेता है, समझे? अभी एक ही बार किया हूँ, काफ़ी फ़र्क समझ में आ रहा है अभी, और इसको एक दो बार की और ज़रूरत पड़ेगी, तब तक देखिएगा ठीक हो जाऊँगा। मेरे घर में कोई दवा नहीं चलती, मेरे घर में लगभग सब अंग्रेजी दवा मुक्त हैं हम लोग,
बहुत कम बच्चे जो होते हैं ना, जिनको ये सब नहीं कर पी पाते हैं, नहीं खा पाते हैं, ऐसे नहीं बैठ पाते, तो उन्हीं केसों में थोड़ी बहुत तो भी 10 में से 5 में, 100 में से 5% केस में बच्चों के लिए कोई दवा आती है, नहीं तो नहीं आती है। हाँ, और ऐसे ही हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब देखिए, आधे घंटे के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद, देखिए शरीर में इतने पसीना हुआ, इतना पसीना हुआ है। पसीना होता ही है, क्योंकि जब आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होगा शरीर में ना, तो पसीना होगा ही, और पसीना हुआ तो काम बन गया आपका, समझे। तो ये देखिए, पसीना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर पे गर्मी लगती हो, हाँ, तो आप ठंडे पानी की तौलिया रख सकते हैं सर पे, अगर उलझन लगती हो। मेरे को तो उलझन नहीं लग रही थी, तो मैंने नहीं रखी, आप रख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझे। तो आप करें, और सब लोग करें इस चीज़ को, फ्री का चीज़ है। कहाँ काली मिर्च नहीं मिल पाएगा, कहाँ पानी नहीं मिल पाएगा, कहाँ हीट नहीं मिलेगा, हर जगह ये सब अवेलेबल है। कि नींबू पानी भी इसमें पी सकते हैं, रोस्टेड ये अनार के दाने ले सकते हैं, तो इनसे भी खांसी बंद हो जाती है। तो अभी मेरे को अनार लेने का मन नहीं किया, अभी काली मिर्च अवेलेबल था तो वही किया। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।